तेज खबर 24 में रीवा से इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है, जहां मॉल में घूमने आए एमपीबी के जेई को एक शख्स ने मॉल के बाहर ही गोली मार दी है। घटना बस कुछ ही देर पहले शहर के समान थाना क्षेत्र इंदिरा नगर स्थित V2 मॉल के बाहर की है। गोली जेई के सीने में धंसी है, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि गोली जिस वक्त चली है, उस वक्त जेई मॉल के बाहर खड़े होकर फोन पर बातें कर रहे थे, तभी अचानक से गोली उनके सीने में जा धंसी। हालांकि अंधेरा होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसने और कहां से चलाई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा गोली चलाने वाले शख्स के संबंध में पता तलाश में जुट गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है रीवा से, जहां एमपीबी के एक जेई के पद पर पदस्थ दिनेश तिवारी को अज्ञात शख्स ने गोली मार दी है। घटना के संबंध में इस वक्त जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सगरा थाना के ग्राम बकछेरा निवासी दिनेश तिवारी पिता राम विशेषण तिवारी सिलपरा स्थित विद्युत विभाग में जेई के पद पर पदस्थ है। बताया जा रहा है कि दिनेश तिवारी आज शाम शहर के इंदिरा नगर स्थित V2 मॉल में खरीदारी करने पहुंचे थे, तभी मॉल में दाखिल होने से पहले वह बाहर खड़े होकर फोन पर बातें कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी, जिस दौरान गोली दिनेश के सीने में जा धंसी। हालांकि मॉल के बाहर व आसपास अंधेरा होने के कारण यह साफ नहीं हो सका है कि गोली किसने और कहां से चलाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिनेश तिवारी को गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते देखा जा रहा है। फिलहाल घायल हुए युवक को जूनियर इंजीनियर को आनन फानन में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई है और मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी जुटाते हुए आरोपियों की पता तलाश में जुट गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है रीवा से, जहां मॉल में घूमने गए एमपीबी के जेई को अज्ञात शख्स ने गोली मार दी है। यहां गोली सीने में लगने के कारण जेई की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायल को अस्पताल भेजा गया है, जिसका उपचार जारी है। गोलीकांड हुआ है, क्या मामला कहते हैं? ये हमको खुद भी नहीं पता। हम अभी कुछ ही देर पहले घर से निकल रहे थे, घर में जो मैडम सब हमारी मैडम है उनकी जो है, तो निकल रही थी ऐसे ही, तो पता चला अचानक से उनको गोली लगी। हमारे वो रिश्ते वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े फादर इन लगते हैं। जिनकी कहाँ गोली लगी है? ये यहाँ पे लगी हुई है, हाँ ऊपर सीने के ऊपर लगी हुई है। वाले कौन है, कुछ पता है क्या? ये कुछ पता नहीं, अब इसकी जांच चल रही है। पुलिस वाले बेचारे तुरंत वही ले आए, पुलिस वाले ही पहुंच गए तुरंत। वो सर्चिंग था चल रहा था उसी टाइम, वो लोग भी पहुंच गए वहाँ पे और ये निकल रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पता नहीं, अब आ जाए जाँच में पता चले। एक्चुअल में ऐसे घूम मतलब मार्केट तरफ गए रहे थे, कोई नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। ये तो ऐसे बात है कि इनसे कोई किसी का कोई मतलब वो था भी नहीं किसी तरह का। ये जेई है एमपीवी में सिलतरा में। आपका क्या नाम था? अनिल मिश्रा।